हेलो डियर, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है भाई। कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया होंगे डियर। तो इस तरह से हम डियर यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो कॉलम की स्टडी कर रहे हैं डियर। इससे पहले आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कॉलम की स्टडी करवाई डियर। आज के जो टॉपिक्स में जो आपको जो मैं कवर करवाऊंगा डियर, वो करवाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन। देखा जाएगा जो वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम के अंदर जो आपके कोडल प्रोविजन होते हैं वो काफी मायने रखते हैं डियर। ठीक है, तो आइए देखते हैं उन कोडल प्रोविजन की हम यहाँ पे बात करते हैं डियर। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कोडल प्रोविजन। ठीक है डियर, तो यहाँ पे सबसे पहला कोडल प्रोविजन जो आता है मेरे पास, मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ कॉलम, कि कम से कम आपकी जो परमिसिबल लेंथ ऑफ कॉलम रहनी चाहिए वो डियर कितनी रहनी चाहिए। ये डियर काफी ही इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर आपको हर बारी क्वेश्चंस फ्रेम करता है डियर। ठीक है डियर, और जो ये परमिसिबल लेंथ ऑफ कॉलम्स होता है डियर, ये आपका डिपेंड करता है स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर। तो डियर यहाँ पे जो पहला क्राइटेरिया आता है आपका, कि क्या वो दोनों एंड से फिक्स है। अगर वो दोनों एंड से फिक्स है तो उस कंडीशन को बोला जाएगा डियर रिस्ट्रेन। अगर ये कंडीशन, अगर उसकी दोनों एंड से डियर वो फिक्स नहीं हुआ, एक एंड हो सकता है वो फिक्स होगा और दूसरा एंड हो सकता है डियर वो हिंज हो सकता है, फ्री हो सकता है, उस कंडीशन को बोलेंगे डियर हम नॉट रिस्ट्रेन कंडीशन, के अनरिस्ट्रेन कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, तो रिस्ट्रेन और अनरिस्ट्रेन का मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए, कि रिस्ट्रेन का मतलब होता है डियर कि वो दोनों एंड से फिक्स है, अनरिस्ट्रेन का मतलब ये है डियर कि वो दोनों एंड से आपका फिक्स नहीं है, यानी कि एक एंड उसका जो फिक्स है वो रिस्ट्रेन है, अदर एंड जो उसका फ्री है यानी कि वो किसी हिंज से हो सकता है, वहां पे कोई रोलर हो सकता है, यानी कि फिक्स को छोड़ के। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनरिस्ट्रेन कंडीशंस बोला जाएगा डियर। तो यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ जो पहले से हम देखेंगे डियर, यहाँ पे फर्स्ट इज लेटरली रिस्ट्रेन एट एंड्स, पहला रहेगा डियर आपके पास लेटरली रिस्ट्रेन एट द एंड्स। ठीक है डियर, तो यहाँ पे रिस्ट्रेन का मतलब है कि दोनों एंड से कैसा है डियर आपका, फिक्स है। तो डियर इस कंडीशन में हमारे पास क्या रहेगी लेंथ ऑफ द कॉलम, तो आपके पास डियर इसमें रहनी चाहिए मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ शुड नॉट बी मोर देन 60 टाइम ऑफ बी। बी क्या है डियर यहाँ पे, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। जरूरी नहीं है बी भी हो सकती है आपकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन, डी भी हो सकती है आपकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन डियर। क्लियर है पहली कंडीशन। अगर डियर वो कैसा हुआ तो वहां पे डियर आपके पास अनसपोर्टेड लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, कि अगर आपका कैसा हो वो लेटरली डिस्टेंट एट द एंड हो तो शुड नॉट बी मोर देन 16 टाइम बी आपकी हो जाएगी। अगर डियर सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं, लेटरली अनरिस्ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि मैं इसको ए पॉइंट नाम दे देता हूं और इसको बी पॉइंट नाम देता हूं, लेटरली अनरिस्ट्रेंड। ठीक है डियर, तो लिटरली अनरिस्ट्रेंड यहाँ पे कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक में हो रहा है तो कोई बात नहीं डियर, लिटरली अनरिस्ट्रेंड का मतलब क्या हुआ डियर, कि वो उसके एंड फिक्स नहीं है, अनरिस्ट्रेंड। तो वहां पे डियर जो अनसपोर्टेड लेंथ या परमिसिबल लेंथ भी बोल सकते हैं डियर हम इसको, और अनसपोर्टेड लेंथ भी बोल सकते हैं डियर, अनसपोर्टेड लेंथ भी आप बोल सकते हैं। तो डियर जो अनसपोर्टेड लेंथ होती है डियर, ये भी आपके पास शुड नॉट बी मोर देन 100 टाइम्स ऑफ बी, बी ये ले लेता हूं डियर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए डियर। ठीक है, रिस्ट्रेन का मतलब है कि अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं डायग्राम से आपको दिखाता हूं, अब यहाँ पे एक बीम है तो दोनों एंड से क्या है डियर, ये फिक्स है, तो दोनों एंड से क्या है डियर यहाँ पे, ये फिक्स है। तो इस तरह का बीम है सर, ये रिस्ट्रेन है इसके एंड। अगर डियर यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम डियर यहाँ पे कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी आएगी, वर्टिकल फोर्सेस भी आएगी, इसके ऊपर मूवमेंट भी आएगा। ठीक है डियर, कुछ इस तरह से यहाँ पे भी आएगी, कुछ इससे भी आएगी। तो इस कंडीशन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा डियर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ अनोन रिएक्शंस विल बी 6 हो जाएगा डियर। क्लियर, की बात आपको नहीं देखनी है। दूसरी कंडीशन में आता है डियर कि बीम आपका अनरिस्ट्रेंड है। अनरिस्ट्रेंड का मतलब कि मान लेते हैं एक एंड तो उसका फिक्स है, बट दूसरे एंड में डियर या तो हिंज लगा होगा या फ्री लगा होगा, तो ये जो फिक्स वाला है ये तो रिस्ट्रेंड हो गया, अदर एंड जो फ्री है यानी कि किसी चीज से वो फिक्स नहीं है डियर, तो ये कौन सा हो गया आपका, अनरिस्ट्रेंड हो गया। और अनरिस्ट्रेंड बीम कुछ इस तरह से भी हो सकता है डियर,
कि यहाँ पे मैंने इसका हिंज दे दिया, यहाँ पे डियर रोलर लगा होगा और यहाँ पे डियर आपके पास फिर से हिंज लगा होगा डियर, क्लियर है। तो दिस इज द अनरिस्ट्रेंड बीम, तो उस कंडीशन में भी डियर हमें ये चीज बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए डियर, क्लियर है डियर। तो इस तरह का आपको अब आता है डियर स्टैटिन कोडल प्रोविजन। स्टैटिन कोडल प्रोविजन में डियर आपको क्या देखना है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम। और डियर मैंने आपको बताया है कि कोई भी कॉलम अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो उसको डियर कम से कम मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए तो डिजाइन करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे डियर जो सबसे मिनिमम कम से कम इसेंट्रिसिटी जो रहती है डियर वो 5% रहती है डियर, कम से कम 5% रहनी चाहिए, चाहे उसके एक्स डायरेक्शन में हो या डियर वाई डायरेक्शन में हो। अगर आपकी इसेंट्रिसिटी डियर अगर लेस देन 5% है तो तभी ही डियर आपकी मिनिमम इसेंट्रिसिटी वहां पे क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। तो देखते हैं सर कि जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम का मतलब क्या है, कि ये क्या होती है डियर, एवरी कॉलम मस्ट बी डिजाइन फॉर, कि जो भी आपके एवरी कॉलम्स होते हैं डियर, एवरी कॉलम मस्ट बी डिजाइन फॉर उसको क्या करते हैं, मस्ट बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए, मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डियर, ठीक है, कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए तो डियर उसको डिजाइन करना ही चाहिए। कितनी हो सकती हो डियर, वो हो सकती है आपके पास e इज लेस देन 0.05d हो सकता है और b हो सकता है डियर, कम से कम इस सेंट्रिसिटी के लिए तो आप कोई भी कॉलम है डियर उसको डिजाइन करेंगे। क्यों करेंगे डियर हम इसको, फॉर द अकाउंट ऑफ, ये भी बताऊंगा डियर, फॉर द अकाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिफेंस मटेरियल्स, फॉर द अकाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिफेक्ट्स ऑफ द मटेरियल्स। सर इसका मतलब हम नहीं समझे, ठीक है। देखो डियर आपको कम से कम यहाँ पे इसीलिए डिजाइन करनी है कि हो सकता है डियर आपने वहां पे जो भी आपके पास लेटरल लोड आए होंगे, जो भी डियर वहां पे कोई एक्सीडेंशियल प्रॉब्लम आई होगी वो शायद आपने डिजाइन में कैलकुलेट नहीं की होगी, ठीक है। हो सकता है आपने वहां पे एरर कैलकुलेशन कर दी गई होगी, कि सपोज आपने किया था उसको पॉइंट आया था आपके पास 5.6% और आपने उसको राउंड ऑफ कर दिया 5.7%, ठीक है, यानी एरर कंस्ट्रक्शन हो सकती है। हो सकता है कि आपके पास वहां पे 20 kg का सीमेंट लगना था, आपने वहां पे 21 kg का सीमेंट डाल दिया। हो सकता है आपने वहां पे प्रॉपर क्यूरिंग ना की हो सकता है वहां पे आपने प्रॉपर टैंपिंग ना की हो, ठीक है। ये सारे के सारे क्राइटेरिया को देखते हुए डियर आपकी कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए तो आपका स्ट्रक्चर डिजाइन होना ही चाहिए। तो डियर पहले हम इसको लिख लेते हैं कि सर हमें ये क्यों ले रहे हैं मिनिमम इसेंट्रिसिटी का क्राइटेरिया, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि वाई मिनिमम इसेंट्रिक कंडीशन, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं वाई मिनिमम इसेंट्रिसिटी कंडीशन वाई मिनिमम इसेंट्रिसिटी कंडीशन, ठीक है डियर। क्या होता है डियर, हो सकता है कि जब आपने स्ट्रक्चर को अपने डिजाइन किया है तो ना तो वहां पे आपने लेटरल लोड्स को काउंट किया है और ना ही वहां की कुछ एक्सीडेंशियल प्रॉब्लम्स रही होगी वहां पे उसको काउंट किया है, उसको ध्यान रखते हुए भी आपको वहां पे कम से कम इसेंट्रिसिटी का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है लेटरल लोड्स एंड एक्सीडेंशियल लोड्स, पहले लिख देता हूं मैं लेटरल लोड्स एंड एक्सीडेंशियल्स एंड कुछ एक्सीडेंशियल प्रॉब्लम्स हो चुकी होगी वहां पे, एक्सीडेंशियल may not have been considered to the design, कि हो सकता है कि जब आपने डिजाइन किया है तो वहां पे जो भी कुछ लेटरल लोड्स आया होगा और कुछ एक्सीडेंशियल प्रॉब्लम होगी उसको डियर आपने वहां पे काउंट नहीं किया है, हो सकता है कि उसको ध्यान रखते हुए भी हमने ये पॉइंट एट लिखा है डियर। बी पॉइंट क्या बोलता है डियर, बी पॉइंट बोलता है कि हो सकता है डियर आपने वहां पे लाइन लोड को कंसीडर नहीं किया, कि आपका स्ट्रक्चर बन गया है और स्ट्रक्चर बनने के बाद डियर वहां पे कंडीशंस क्या रहती है, अब आपके वहां पे कुछ मूवेबल पार्ट्स रखते हो डियर वहां पे, हो सकता है आपने प्रॉपर तरीके से वहां पे काउंट नहीं किया हो, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। लाइन लोड इज नॉट कंसीडर, लाइन लोड
कि आपने क्या नहीं किया हो डियर. लाइट लोड इज नॉट कंसीडर फॉर द डिजाइन. ठीक है डियर, तो ये भी मेजर फैक्ट हो सकता है. ठीक है सर. और सी इज एरर इन कंस्ट्रक्शंस एंड एरर इन कंस्ट्रक्शन. क्यों हो सकता है डियर, आपने वहां पे एरर करके कंस्ट्रक्शन करते वक्त छोटे छोटे एरर्स कर दिए डियर. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डियर. और ये डियर कोई नहीं पूछता है, एग्जामिनर नहीं पूछता है. इसको कौन पूछता है डियर, इसको पूछता है इंटरव्यू. इसको कौन पूछता है डियर, इंटरव्यू पूछता है आपसे इस क्वेश्चन को. कौन पूछता है डियर, इंटरव्यू. ठीक है, किसी भी पीएसयू के अंदर आप एंट्री करते हैं या कहीं पे भी आप जिला एई की सिलेक्शन लेने के बाद आपका एक स्क्रीनिंग होने के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है. और इंटरव्यू कंडक्ट में डियर इस टाइप के क्वेश्चन से कॉमन क्वेश्चन बन जाते हैं. स्टूडेंट्स क्या करता है कि स्टूडेंट अपने बड़े आराम से क्वेश्चन को रट तो लेता है डियर, बट उनको समझता नहीं है कि वाई द मिनिमम इसेंट्रिसिटी. ठीक है डियर, तो इस तरह से भी डियर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है डियर. तो डियर जो आपका जो मिनिमम इसेंट्रिक का जो क्राइटेरिया रहेगा डियर, वो कोडल ने कितना दिया है कि जो आपके डियर ई मिनिमम रहना चाहिए. ई मिनिमम चाहे वो आप बी के कॉरस्पॉन्डिंग करो डियर या डी के कॉरस्पॉन्डिंग करो, तो उसमें क्या रहेगा डियर आपके पास, वो रहेगा डियर आपके पास मैक्सिमम ऑफ डियर दैट इज L by 500 प्लस या तो B होगा डियर या फिर D होगा. ठीक है, is 30. ठीक है डियर, 30 और विच एवर इज 20 mm. इससे क्या आना चाहिए डियर आपके पास, E मिनिमम और BD इससे ज्यादा आना चाहिए. और ये भी कंडीशन याद रखना कि जो E मिनिमम होना चाहिए डियर आपके पास, E मिनिमम होना चाहिए वो चाहे B के कॉरस्पॉन्डिंग करो आप या D के कॉरस्पॉन्डिंग करो डियर, उस कंडीशन में आपका क्या रहना चाहिए, वो लेस देन रहना चाहिए, 0.05 डी रहना चाहिए और बी रहना चाहिए. क्लियर है डियर, इसके कम रहना चाहिए डियर. क्लियर है, इससे कम रहना चाहिए. अब डियर आपको अगर यहाँ पे कुछ याद हो, अगर मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये डियर आपके पास एक कॉलम्स है और इस कॉलम को डियर हमने कुछ इसेंट्रिक कंडीशंस में कुछ इसका ये कुछ इस तरह से डिवाइड किया, ये इस कॉलम का जो सीजी है डियर. ठीक है, और मान लेते हैं डियर ये क्या है आपका, बी है. ठीक है, ये वाली डायमेंशन डियर आपकी बी है. ठीक है, सॉरी डी है, डी ले लेता हूँ इसको. ठीक है, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ. ये डी ली मैंने और ये वाली कंडीशन डियर यहाँ पे बी ले ली है डियर. तो डियर अगर आपका लोड सीजी से पास कर रहा होगा तो कुछ कंडीशन तो अलग सेम रहेगी, बट डियर हो सकता है लोड अवे फ्रॉम द सीजी एक्ट कर रहा है, यानी कि आपका मान लेते हैं यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो डियर यहाँ पे आपकी इसेंट्रिसिटी आएगी, दैट इसेंट्रिसिटी इज EX और EX किसकी कॉरस्पॉन्डिंग है डियर, D के कॉरस्पॉन्डिंग है. उसी तरह से डियर Y पे भी कोई इसेंट्रिसिटी आ सकती है डियर इस तरफ से, तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है डियर, ये B के कॉरस्पॉन्डिंग है डियर. ठीक है, तो आपके कोड ने क्या बोला डियर कि कम से कम इतनी इसेंट्रिसिटी तो डियर आपके पास होनी ही चाहिए, यानी कि इतने के लिए तो हम डियर क्या करेंगे, इसको डिजाइन करेंगे ही करेंगे. ठीक है, और जो ये कम से कम इसेंट्रिसिटी होनी चाहिए, ये लेस देन होनी चाहिए आपके पास 0.5% से लेस होनी चाहिए, चाहे वो एक्स डायरेक्शन की बात करें चाहे वो डियर वाई डायरेक्शन की बात करें. तो डियर ये आप कितने से होनी चाहिए, 5% से कम होनी चाहिए डियर. तो यहाँ पे अगर मैं डियर इसको अलग अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई मिनिमम अगर डी के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं डियर, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा डियर आपके पास L by 500 विच एवर इज ग्रेटर देन प्लस D by 30 और that is 20 mm, whichever is less dear. ठीक है, whichever is more, इसका जो ज्यादा है उसके लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे. और जो यहाँ पे जो E minimum D जो रहना चाहिए dear, वो क्या रहना चाहिए, वो less than रहना चाहिए, 0.05 D रहना चाहिए dear, या की centricity क्या रहनी चाहिए, इससे कम रहनी चाहिए dear. ठीक है डियर, तो ये तो हुआ आपके पास किसके कॉरस्पॉन्डिंग, बी के कॉरस्पॉन्डिंग. अब बी के कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको चेक करना पड़ेगा डियर, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करेंगे डियर इसको, तो दैट इज ई मिनिमम बी के कॉरस्पॉन्डिंग डियर. तो यहाँ पे आएगा आपके पास दैट इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डियर, एल अपॉन 500 प्लस बी अपॉन 30 एंड दैट इज 20 mm. ठीक है डियर, विच एवर इज लेस, इनसे क्या आएगा डियर, विच एवर इज लेस, विच एवर सॉरी मैक्सिमम. ठीक है डियर,
और यहाँ पे भी जो ई मिनिमम बी जो होगा डियर आपके पास वो शुड नॉट और लेस देन होना चाहिए आपके पास 0.05 ऑफ बी। क्लियर है डियर? तो इस तरह की प्रॉब्लम आपसे एग्जामिनर अक्सर पूछा करता है और यहाँ से डियर ए के अंदर क्वेश्चन आपका 101% बनता ही बनता है डियर। क्लियर है? तो दोनों ही कंडीशन डियर आपको यहाँ पे मैक्सिमम इंसेंसिटिविटी की हमने क्या कर दी है, रीड करवा दी है डियर। क्लियर है? आगे चलते हैं डियर। ये तो आपका मिनिमम इसेंट्रिसिटी कंडीशन का, वाई मिनिमम इसेंट्रिसिटी डियर ये भी आपको बता दी है। मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम सारा ये आपको डियर इसमें डिटेल्स में पढ़ा दिया है, इससे बाहर आपको डियर यहाँ पे जाना भी नहीं है डियर। आगे मूव करते हैं डियर। यहाँ पे तो ये मिनिमम का क्राइटेरिया डियर हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर लिया है। आगे का जो टॉपिक आता है डियर वो आता है लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट ऑफ द कॉलम। लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट ऑफ द कॉलम डियर, तो देखो डियर यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल और रेइंफोर्समेंट कॉलम के लिए सबसे पहले आपको डियर देखना होगा इसका कुछ मिनिमम क्राइटेरिया और कुछ मैक्सिमम क्राइटेरिया डियर। ठीक है, कोडल प्रिविजन मैं खुद का नहीं बना रहा हूँ, कोडल प्रिविजन है कि डियर जो मिनिमम रेइंफोर्स रहना चाहिए, मिनिमम जो रेइंफोर्स रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए आपके पास, 0.8% ऑफ द ग्रॉस एरिया रहना चाहिए, ऑफ द ग्रॉस एरिया रहना चाहिए डियर। क्लियर है? ये चीज भी आप ध्यान रखना चाहिए डियर कि कम से कम कितना रहना चाहिए आपके पास, 0.8% ऑफ द ग्रॉस एरिया रहना चाहिए डियर। क्लियर है? तो यहां तक का मामला तो आपको मिनिमम का क्लियर हो ही गया होगा। और मैक्सिमम कितना रहना चाहिए डियर, तो मैक्सिमम का भी क्राइटेरिया रहेगा आपके पास। तो मैक्सिमम का क्राइटेरिया जो रहेगा, मैक्सिमम रेइंफोर्समेंट, कौन सी रेइंफोर्समेंट की बात कर रहा हूं, या तो लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट या फिर मेन रेइंफोर्समेंट डियर, तो कितना रहना चाहिए वो आपका 6% ऑफ द ग्रॉस एरिया रहना चाहिए, 6% ऑफ द ग्रॉस एरिया रहना चाहिए। ठीक है, बट अगर आप प्रैक्टिकली करोगे डियर इसको, बट प्रैक्टिकली कितना रहता है डियर आपके पास, प्रैक्टिकली 4% ग्रॉस एरिया रहता है। प्रैक्टिकली कितना रहता है ये, 4%, बट प्रैक्टिकली क्या रहता है डियर, 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया। प्रैक्टिकली कितना रहता है डियर, क्योंकि वहां पे ओवरलैपिंग भी आएगी, प्रैक्टिकली इट इज 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया। ठीक है डियर, ग्रॉस एरिया एरिया ड्यू टू ओवरलैपिंग, क्योंकि वहां पे आपकी ओवरलैपिंग भी होगी ड्यू टू ओवरलैपिंग। क्लियर है कंडीशंस? तो इस तरह से डियर हमारा मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया भी हो गया डियर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल अभी समझाऊंगा डियर इसको भी मैं आपको। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना डियर, थर्ड पॉइंट रखना आपको कि मिनिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स या मेन बार शुड नॉट बी लेस देन 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। क्या है डियर, कि जो आपके पास मिनिमम डायामीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार एंड और मेन बार भी लिख देता हूं, मेन बार शुड नॉट बी लेस देन 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए डियर। ठीक है, अब जैसे पहाड़ी भाषा में हम गांव में, आप जो शहरों सॉरी जो गांव में रहते हैं लोग, इसको सिंपल भाषा में बोला जाता है यार कि एक सूत का चाहिए कि दो सूत का लगेगा या तीन सूत का लगेगा। ठीक है, बोला जाता है आपको कि एक सूत का शरिया चाहिए कि आपको दो सूत का शरिया चाहिए या आपको तीन सूत का शरिया चाहिए, ऐसे बात करते हैं डियर हम, सूत में बात करते हैं। और एक सूत में डियर 3.17 mm होते हैं, एक सूत में कितना होते हैं 3.17 mm होते हैं डियर। तो ये भी आपके लिए मेजर है कि अगर आप दो सूत का शरिया ला रहे हो तो वो कितने एमएम का हो जाएगा आपके पास, 6.34 mm का हो जाएगा। अगर डियर आप तीन सूत का शरिया ला रहे हो तो ऑलमोस्ट 12 mm का शरिया हो जाएगा डियर। अगर आप चार सूत का शरिया ला रहे हो डियर तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो 16-18 mm का हो जाएगा, यानी कि एक सूत में कितने एमएम होते हैं, 3.17 mm होते हैं डियर। क्लियर है डियर? और अब डियर कि जो अब आपने वहां पे लॉन्गिट्यूडनल बार डाल तो दी गई है, अब इनके बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए डियर, ये भी याद रखना अपना, स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार, ये भी पॉइंट लिख देता हूं मैं, स्पेसिंग बिटवीन द मेन बार या लॉन्गिट्यूडनल बार, एक ही बार है, मेन बार अलोंग द पेरीफेरी
along the periphery, periphery should not be, क्या लिखना चाहिए, should not be exceed, should not be exceed, exceed 300 mm, कि 300 mm से exceed नहीं करना चाहिए यार, clear है? ठीक है लिए? तो पहला पॉइंट कम से कम रिइंफोर्समेंट होनी चाहिए 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, और 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया को लिख सकते हैं आप 0.8 डिवाइडेड बाय 100 इनटू ग्रॉस एरिया इज बी इनटू डी। ठीक है लिए? 6% को भी लिख सकते हो आप लिए, क्लियर है? अब आपको कम से कम डायमीटर कितना होना चाहिए, 12 mm होना चाहिए, 12 mm से कम नहीं चलेगा लिए। और स्पेसिंग बिटवीन द मेन बार अलोंग द पेरिफेरी कितनी होनी चाहिए लियर, 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लियर। अगर 300 mm से एक्सीड कर दी जाएगी लियर, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन के अंदर लियर आप एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे लियर। ठीक है लियर? ओके, पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर हुआ, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है लियर आपके पास, पॉइंट नंबर 5 बोलता है कि एनी सेक्शन ऑफ द कॉलम, चाहे आपने देख किसी भी सेक्शन का कॉलम डिजाइन किया गया है, बट हर एक ईच कॉर्नर पे कम से कम एक बार तो आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी लियर। तो ये भी लिख देता हूं, एनी सेक्शन ऑफ द कॉलम, एनी सेक्शन ऑफ द कॉलम, एनी शेप या एनी सेक्शन ऑफ द कॉलम, कोई भी सेक्शन है, एनी शेप ऑफ द कॉलम लिख देता हूं, ठीक है, ज्यादा बेटर हो जाएगा। एनी शेप ऑफ द कॉलम, शेप ऑफ द कॉलम की एनी शेप ऑफ द कॉलम इन ईच कॉर्नर, इन ईच कॉर्नर, इन ईच कॉर्नर शुड बी 1 bar इज कंपल्सरी, कम से कम एक बार तो वहां पे डियर आपको डालना ही डालना है, शुड बी 1 bar, 1 bar कंपल्सरी। कम से कम एक बार तो डियर आपको क्या करनी पड़ेगी, वहां पे डालनी ही पड़ेगी डियर, कंपलसरी है, एक बार डालना, कॉर्नर में एक डालनी डालनी है, ठीक है, कंपलसरी है, ठीक है डियर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बच्चों को पता नहीं होते, बच्चे रटते हैं इसको डियर, आपको रटना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, क्या बोलेगा डियर आपके पास, 6 पॉइंट, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, मिनिमम नंबर ऑफ बार इन रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर सेक्शन, मिनिमम नंबर ऑफ बार इन रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शन, सॉरी रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर सेक्शन, सर्कुलर नहीं, स्क्वायर सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन इज, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कम से कम 4 बार प्रोवाइड करनी है आपने, किसमें, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सेक्शन में। पॉइंट 7, इन केस ऑफ सर्कुलर मिनिमम, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन सर्कुलर सेक्शन, सेक्शन शुड बी 6, शुड बी 6 नंबर ऑफ बार, 6 नंबर ऑफ बार। ठीक है ये, कि अगर आपके पास ये कम से कम रेक्टेंगुलर में कम से कम 4 और स्क्वायर में भी कम से कम 4 डालनी है, बट जो सर्कुलर सेक्शन में है उसमें ये आपको कम से कम 6 नंबर ऑफ बार्स ये आपको प्रोवाइडेड करनी पड़ेगी ये। तो वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, और इसको डियर मतलब एक तरह से इसको डियर आपने माइंड में छाप लेना है, ठीक है। हाँ, मैंने एक लाइन आपको यहाँ पे जरूर बोली है कि सर एनी शेप ऑफ द कॉलम, चाहे किसी भी टाइप का शेप ऑफ कॉलम है, इन ईच कॉलम शुड बी 1 bar इज कंपलसरी, कि एक बार को तो आपको वहां पे कंपलसरी करना ही पड़ेगा डियर, ये मैं बताऊंगा डियर आपको, ठीक है। स्टूडेंट बन रहे होंगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि सर ये कैसे है, ये लिखेगा डियर यहाँ पे क्या है डियर, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉलम के सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे पास मेरे पास डिफरेंट शेप है, दिस इज द रेक्टेंगुलर, दिस इज द स्क्वायर एंड दिस इज द सर्कुलर, दिस इज द एल सेक्शन, दिस इज द टी सेक्शन एंड दिस इज द ईयर आई सेक्शन। आई सेक्शन को अगर मैं ऐसा कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो एक्स सेक्शन बन जाएगा ना, बन जाएगा ना भाई,
तो ये चीज भी हमें याद रखना है। अब आपने कहा सर कि आपको यहाँ पे क्या डालनी है, कितनी नंबर ऑफ बार डालनी है, कॉर्नर पकड़ लो सभी के, क्या कर लो डियर, कॉर्नर पकड़ लो भाई। सर आपने कहा हमने कॉर्नर पकड़ना है, बिल्कुल यार पकड़ो। तो एक कॉर्नर यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे बार दी, एक यहाँ पे डाल दी डियर, एक यहाँ पे डाल दी, एक यहाँ पे डाल दी, चार होगी रेक्टेंगल में, यहाँ पे भी डाल दी डियर, एक यहाँ पे हो गया, एक डियर आपका यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, चार होगी। पीछे बताया है कि रेक्टेंगुलर सर्कुलर में चार होगी डियर। थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद रखना होगा डियर, 6, 1, 2, 3, 4, 5 and that is 6। यहाँ पे कितनी डाल दी आपने, 6 डाल दी डियर। उसी तरह से डियर यहाँ पे एल सेक्शन है, कॉर्नर पकड़ लीजिएगा। ये सर कॉर्नर पकड़ लिए, 1, 2, ये 3, ये कॉर्नर 4, कॉर्नर कॉर्नर पकड़े ना भी मैंने, 5 and 6, ठीक है, 6 डाल दी डियर, बिल्कुल समझ आ गई सर। यहाँ पे भी लिफ्ट कर दीजिएगा, 1, 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 8, ठीक है डियर, यहाँ पे भी डाल दी। आपको लग रहा होगा सर क्या कर रहे हो आप भी, ठीक है, कर नहीं रहा हूँ भाई, इसको बता रहा हूँ यार, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। ये देखो 6 बार डाली, ओके कलर चेंज हो गया, कोई बात नहीं, ये ठीक है डियर। आगे अपने देखिएगा, 2, 4, 6, 8, कम से कम 8, टी सेक्शन के अंदर कम से कम 8। अब यहाँ पे देखिएगा कॉर्नर, एक कॉर्नर है, कॉर्नर पे डाल दो, 2 कॉर्नर हो गए, 3 कॉर्नर हो गए, 4 कॉर्नर हो गए, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गई, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, हर कॉर्नर पे डाल दी, ठीक है, कोई हमें गलती नहीं है, कम से कम इतनी तो डालनी ही डालनी है डियर। अब देखिएगा सर, ये तो सर हम समझ गए, इसमें तो हमें कोई भी नहीं है, थोड़ा सा इनको डार्क कर लेते हैं भाई हम, ठीक है डियर। तो इस तरह से इनको मैंने, क्योंकि हम ये नहीं दिखा सकते ना भाई, ये तो डार्क हो गया, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया मैंने डियर, डार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ, ऐसे कंसेप्ट क्लियर होते हैं डियर। अब मैंने ये भी कहा सर, ये तो आपने सारी लॉन्गिट्यूडनल बार्स का क्राइटेरिया बता दिया सर, और एक मैंने डियर ये भी बताया कि जो डियर इनकी जो स्पेसिंग रहनी चाहिए, स्पेसिंग क्या रहनी चाहिए डियर, ये स्पेसिंग डियर क्या रहनी चाहिए आपके पास, 300 mm से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए डियर, ये भी बताई डियर मैंने आपके पास। चाहे डियर ये वाली ले लो, चाहे आप ये वाली ले लो, किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चाहे डियर ये वाली भी ले लो, चारों तरफ बोली ना, ये भी क्या नहीं होनी चाहिए डियर, शुड नॉट बी मोर देन 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सारी स्पेसिंग। और ये सर्कुलर में भी ये स्पेसिंग क्या नहीं होनी चाहिए डियर आपके पास, 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए डियर आपके पास, शुड नॉट बी मोर देन 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हर जगह डियर, चाहे कोई भी हो डियर, किसी भी स्पेसिंग में ले लो, चाहे आप चारों तरफ हो, ये नहीं कि आपको सिर्फ एक ही तरफ देखना है, चारों तरफ पेरिफेरी बोला है डियर, तो ये भी स्पेसिंग डियर आपकी किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 300 mm से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। और ये वाली भी क्या नहीं होनी चाहिए डियर आपके पास, 300 mm से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर सर ये एक्सीड हो जाएगी, ये तो क्वेश्चन उठता है, अगर सर ये एक्सीड हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, अरे भाई तब कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप एडिशनल बार प्रोवाइड कर देना, यहाँ पे भी एडिशनल बार प्रोवाइड कर देना, यहाँ पे भी एडिशनल बार प्रोवाइड कर देना, यहाँ पे भी एडिशनल बार प्रोवाइड कर देना, और यहाँ पे भी डियर एडिशनल बार प्रोवाइड करना, सब में अगर स्पेसिंग, 2 mm की स्पेसिंग अगर आपके पास 300 से ज्यादा आ रही है, चारों तरफ ज्यादा आ रही है, तो उस कंडीशन में डियर आपने वहां पे क्या कर देना, एडिशनली रीइंफोर्समेंट डियर प्रोवाइडेड कर देना डियर। तो ये कंडीशन क्लियर हुई, तो इस तरह का डियर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है सर। तो इस तरह से कोई भी दिक्कत नहीं है, कॉलर उठाओ, कॉलर के क्या उठाओ, कॉलर के सारे कॉलर उठाओ, हर एक कॉलर में कम से कम एक बार तो डाल लो। अगर ये स्पेसिंग 300 से ज्यादा रहती है तो वहां पे एक और बार इंट्रोड्यूस कर दो आप, क्लियर है, बात होगी कंप्लीट, ठीक है डियर, ओके डियर। अगर हम पेडेस्टल की बात करते हैं डियर, तो पेडेस्टल में जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट का क्राइटेरिया रहता है डियर, वो कितना रहता है, तो डियर पेडेस्टल के केस में जो मिनिमम रहता है वो 0.15% ऑफ द ग्रॉस एरिया डियर, ग्रॉस
एरिया रहता है गियर। मिनिमम रिइंफोर्समेंट का क्राइटेरिया कितना रहता है गियर यहाँ पे 0.15% ऑफ दी ग्रॉस एरिया रहता है गियर। क्लियर है? अब देखो यार, अब यहाँ पे सर हमें कोई ना कोई क्लियर कवर भी तो चाहिए भाई, कोई इसका क्लियर कवर भी तो होगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए क्लियर कवर के लिए भी डियर कुछ इसका कोडल परमिशन है। तो आइए देखते हैं डियर, मिनिमम नॉमिनल कवर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं डियर हम? मिनिमम नॉमिनल कवर की, मिनिमम नॉमिनल कवर की बात करते हैं डियर हम। ठीक है डियर, तो मिनिमम नॉमिनल कवर भी काफी इंपॉर्टेंट है डियर आपके पास, यहां से भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो डियर यहां पे क्लाइंट लिख रहा हूं कि मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के केस में, मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट या मेन बार रेनफोर्समेंट में आपका शुड बी 40 mm क्लियर कवर, कि कम से कम आपका क्लियर कवर कितना होना चाहिए भी, शुड बी 40 mm का क्लियर कवर होना चाहिए। 40 mm का क्लियर कवर तो डियर आपका होना ही चाहिए। एंड शुड नॉट बी लेस देन डाया ऑफ द मेन बार, एंड शुड नॉट बी लेस देन डाया ऑफ द मेन बार। मेन बार बोले तो लॉन्गिट्यूडनल बार, मेन बार इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपकी कंडीशन है डियर कि जो आपके पास क्लियर कवर का क्राइटेरिया होना चाहिए सर, कम से कम 40 mm का तो होना ही चाहिए, 40 mm का तो कम से कम रखो ही, और फिर डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार या मेन बार डियर। अब सपोज कीजिएगा डियर, अगर आपके पास यहाँ पे 40 mm दे दिया, ठीक है सर, और डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार आपके पास डियर 45 mm दे दिया, तो सर आप किसके लिए डिजाइन करोगे? अरे भाई डाया मेन बार से भी तो कम नहीं होना चाहिए ना, तो डियर आप वहां पे क्या दोगे, मिनिमम क्लियर कवर कितना देंगे डियर वहां पे, 45 mm दिया जाएगा डियर। क्लियर है? तो ये भी डियर आपको यहाँ पे मिनिमम नॉमिनल कवर का क्राइटेरिया याद रखना है डियर। इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं फॉर 25 mm के लिए, दिस कैन बी रिड्यूस अप टू 25 mm। मैं नीचे लिख रहा हूं डियर इसको, इसको भी आप क्या कर सकते हैं डियर, This can be reduced, इसको आप ये reduce कर सकते हैं, can be reduced up to 25 mm, 25 mm तक ये इसको क्या कर सकते हैं आप, reduce कर सकते हैं, अगर 4A dia of, अगर आपके पास dia कितना है, dia of main bar, dia of main bar या longitudinal bar कितना हो, 12 mm हो, and section dimension, and जो आपका सेक्शन की डायमेंशन है डियर, डायमेंशन इज लेस देन, सेक्शन की जो डायमेंशन है वो इज लेस देन 200 है, 200 mm और लेस देन है डियर, ऐसे लिखता हूं 200 mm और लेस देन है। अगर सेक्शन का डायमेंशन आपके पास 200 mm है, mm है और लेस है डियर, ठीक है डियर, और लेस है, तो ये कंडीशन भी डियर आपको यहां पे याद रखनी। मैंने क्या लिखा कि जो ये आपने डियर यहां पे जो नॉमिनल कवर दिया 40 mm पर डाया ऑफ मेन बार, तो डियर इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं 25 mm तक, पर वहां पे कंडीशन है कि आपका डाया ऑफ मेन बार 12 mm का होना चाहिए और सेक्शन की डायमेंशन होनी चाहिए डियर और 200 mm होनी चाहिए एंड लेस होनी चाहिए डियर। क्लियर है? तो ये भी डियर आपको यहाँ पे मिनिमम नॉमिनल कवर का क्राइटेरिया भी समझ आ गया है डियर। आगे डियर देखते हैं, आगे जो थर्ड आता है डियर आपके पास, दैट इज द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट कौन सा आता है डियर आपके पास, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट डियर, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट डियर, ठीक है डियर। अब यहां भी देखिएगा डियर, एक डायग्राम हम बनाते हैं, एक डायग्राम है डियर आपके पास, कुछ इस तरह से डायग्राम है, देखिएगा इस डायग्राम को डियर, ये डायग्राम आपने डियर ऑलरेडी बनाया है, ठीक है डियर, और इसको डियर कुछ ऐसे बनाते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा, ये है डियर आपके पास, ठीक है डियर, कॉलम है, देखते हैं इसको डियर, पहले इसको डियर समझ लेते हैं, ठीक है, फिर
फिर इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लेती ये आपके पास एक कॉलम है डियर, ठीक है। अब देखिएगा, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट होती है डियर, ये आपकी दो फॉर्म में दी जाती है। या तो डियर आपको इसको एक टाइप की फॉर्म में दिया जाएगा और लेटरल टाइज की फॉर्म में दिया जाएगा, या स्पाइरल की फॉर्म में दिया जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट्स इज प्रोवाइडेड इन इज, इसको डियर जो प्रोवाइड किया जाता है, इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ लेटरल टाइज की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है डियर, एंड स्पाइरल डियर, स्पाइरल बोले या दैट इज हेलिकल डियर, ठीक है। अब लिखिएगा डियर, जो डियर आपका अगर लेटरल टाइज हुआ डियर, तो इसको आप कहां पे प्रोवाइड करोगे, इसको डियर आप लेटरल टाइज को प्रोवाइड करोगे रेक्टेंगुलर सेक्शन में। कौन से सेक्शन में? रेक्टेंगुलर सेक्शन में डियर, रेक्टेंगुलर सेक्शन में डियर। अगर डियर आपका क्या हो, स्पाइरल हो, हेलिकल हो, तो इसको आप कहां पे प्रोवाइड करेंगे डियर, इसको आप प्रोवाइड करेंगे डियर सर्कुलर सेक्शन में, सर्कुलर सेक्शन में। और मैंने आपको पहले ही बताया कि दो ही सेक्शन, तीन ही सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन और दैट इज स्क्वायर सेक्शन डियर, एंड स्क्वायर सेक्शन। तो ये भी पूछा जाता है कि जो आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन और स्क्वायर सेक्शन होता है डियर, उसमें किस टाइप की ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें डियर हम जो प्रोवाइड करते हैं, कौन सी करते हैं, आपकी लेटरल टाइज करते हैं ट्रांसवर। अब देखो डियर, यहां पे आपने क्या डाला था, पहले सर आपने यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट डाला था, तो कॉलर पकड़े यहाँ पे दो, और यहाँ पे डियर, और यहाँ पे, ठीक है डियर। अब इन दोनों कॉलर को आपने क्या कर दिया डियर, यहाँ पे जॉइंट कर दिया। अब इनको सारी को नीचे दिखाओ डियर, कुछ ऐसे डाली होगी डियर आपने, ठीक है, कुछ ऐसे डाली होगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है डियर। अब क्या हुआ डियर, अब इनको भी, ये भी क्या करेगी डियर, ये बकल करेगी इधर उधर क्या करेगी, स्प्लिट करने की कोशिश करेगी इधर उधर, मतलब अब इनको किसी ना किसी चीज से बांधना होगा डियर, बांधना होता है सिंपल, मतलब बांधना होगा। तो किससे बांधेंगे डियर हम इनको, इनको बांधेंगे डियर हम ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट से। ये कौन सी आई डियर आपके पास, ये आई सर जो ये है, हमने ये जो प्रोवाइड की है डियर आपके पास, ये वाली सारी जो प्रोवाइड की है, ये कौन सी है आपके पास, ये है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। कौन सी है डियर, ये लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल, यह लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बोलो, या ये इसको मेन रीइंफोर्समेंट बोलो। अब ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये तो इधर उधर स्प्लिट करने की कोशिश करेगी, टिल्ट करने की कोशिश करेगी, तो हमें क्या करेगी डियर, इनको एक बांध देंगे, किससे, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट से। स्ट्रक्चर क्या, ये रेक्टेंगुलर भी हो और स्क्वायर के लिए सेम रहेगा, तो डियर इनको सर बांध दीजिएगा। तो इनको सर हम बांध देते हैं कुछ इस तरह से, तो इनको सर हमने क्या कर दिया है, बांध लिया है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इनको क्या कर लेते हैं, हमने कुछ इस तरह से इनको बांध लिया है डियर, ठीक है। तो यहां पे भी बांध दो सर इसको, यहां पे भी बांध दो सर इसको, तो यहां से भी हमने क्या कर दिया, इसको बांध दिया है, ठीक है डियर, यहां से भी इसको क्या कर दिया है, बांध दिया है, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसी तरह से एक और ऊपर भी बांध दो डियर आप, ठीक है डियर। तो मैंने किससे बांध दिया डियर इनको, इनको बांध दिया मैंने लेटरल टाइज से। अगर आपका सेक्शन रेक्टेंगुलर है और सर्कुलर है, तो मैंने किससे बांधा डियर इनको, लेटरल टाइज से बांधा है। किससे बांधा सर इनको, लेटरल टाइज से। थोड़ा सा भी डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है डियर, कोई बात नहीं, बेटर है डायग्राम, ठीक है। अब देखिएगा किससे बांधा डियर आपने इसको, लेटरल टाइज से। तो ये क्या है डियर आपकी, ये लेटरल टाइज का, यहां से लेके यहां तक का इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे डियर हम, एक लेटरल टाइज से दूसरे लेटरल टाइज के डिस्टेंस को बोलेंगे डियर हम पिच। क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे डियर, क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे, पिच बोलो यहां डियर, या स्पेसिंग बोलो, क्लियर है डियर। तो ये क्या है डियर यहाँ पे, ये है लेटरल टाइज, मैंने ले लिखा, मैं लिख देता हूँ, ये जो सर है हमारे पास, ये क्या है, दैट इज लेटरल टाइज। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दैट इज लेटरल टाइज, ठीक है डियर। अगर उसी तरह से डियर अगर हम दूसरा सेक्शन बनाते, तो दूसरा सेक्शन सर्कुलर हो जाता, तो सर दूसरा सेक्शन भी तो बना दीजिएगा। तो देखिएगा दूसरा सेक्शन बनाता हूं डियर मैं आपके पास, एक ये हो गया डियर आपके पास,
और एक ये हो गया, ठीक है। तो इसमें कैसा होगा डियर आपका, सर्कुलर होगा, तो ये होगा डियर कुछ इस तरह से, ठीक है डियर। तो सर्कुलर में हमने कितनी नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करी थी, 6 बार प्रोवाइड की थी। तो दैट इज 1, दैट इज 2, एंड दैट इज 3, एंड दैट इज 4, एंड दैट इज 5, एंड दैट इज 8। 6 होगी डियर, ओके नहीं होगी, थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश करते। एक तो डियर आपकी यहां होगी, यहां होगी, यहां पे होगी और यहां पे होगी, ठीक है। एक इनके बीच में डाल देते हैं डियर, यहां पे होगी, ठीक है। तो यहां पे भी डियर इसको क्या कर दो डियर आप, ये मैच कर दो, कुछ ऐसे लगाओ नीचे, ये आ जाएगी डियर आपके पास, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है डियर। कितनी होगी ये, 1, 2, 4, 6 होगी डियर आपके पास। कितनी प्रोवाइड कर दी है, 6 प्रोवाइड कर दी है आपने। अब इसके बीच में आपने क्या करना, आप 6 से ज्यादा भी डाल सकते हो, स्पेसिंग पे डिपेंड करता है। अब डियर यहां पे आपको क्या करना है, हेलिकल या लेटरल टाइज है, तो यहां पे डियर कुछ इस तरह से स्पेसिंग पे, इस तरह से हम यहां पे हेलिकल रेइंफोर्समेंट देंगे, कुछ इस तरह से, इस तरह से डियर। ये क्या है आपके पास, हेलिकल फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में दी जाएगी डियर, ठीक है, हेलिकल। ये अलग से डिजाइन करना आपको सिखाऊंगा तो आपको यहां पे चीज क्लियर हो जाएगी, दैट इज अ हेलिकल रेइंफोर्समेंट, क्लियर है डियर। इसको आप पिच बोलते हैं, तो यहां पे भी डियर ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका, दैट इज, इसको भी क्या बोला जाएगा डियर यहां पे, पिच बोला जाएगा, दैट इज पिच, पिच बोलो डियर, यहां स्पेसिंग बोलो, एक ही बात है डियर। तो आपको पता लग गया कि ट्रांसवर्स रेइंफोर्स प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ लेटरल टाइज की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, और उनको डियर हम एक स्पाइरल फॉर्म यानी कि हेलिकल फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। जो लेटरल टाइज होती है उसको रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है, और जो आपकी स्पाइरल होती है उसको हम सर्कुलर सेक्शन में प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहां पे डियर अगर मैं लिख देता हूं, दिस इज द रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर एंड दैट इज सर्कुलर स्क्वायर भी हो सकता है डियर ये, ठीक है। और ये कौन सा है डियर आपके पास, दिस इज सर्कुलर, दिस इज द सर्कुलर, ठीक है डियर। तो ये सारी कंडीशनें भी डियर आपको यहां पे अंडरस्टूड हो गई है डियर। तो आपको देखना है डियर यहां पे, क्लियर है। अब चलते हैं डियर आगे, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसकी कुछ हेडिंग लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। सर आप डाल क्यों रहे, टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ मेन रेइंफोर्समेंट, तो इसके फंक्शन लिखो या पर्पस लिखो, टू अवॉइड द, टू अवॉइड द, क्यों डाल रहे हैं डियर इसको, टू अवॉइड द बकलिंग, टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ द मेन रेइंफोर्समेंट, ऑफ द मेन रेइंफोर्समेंट या लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट, ताकि आपका क्या ना हो, बकल ना कर पाए, ठीक है सर, ठीक है सर। पहला फंक्शन इसका, सेकंड फंक्शन क्या होता है डियर इसका, सेकंड फंक्शन ये होता है डियर, ये क्या बियर करता है, शियर स्ट्रेस डेवलप इन कॉलम, ये क्या करता है, टू बियर द, टू बियर द शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस डेवलप टू द कॉलम, डेवलप टू द कॉलम, टू द कॉलम डियर, क्लियर है, ओके सर। थर्ड पॉइंट, थर्ड पर्पस क्या हो गया डियर इसका, टू इंप्रूव द डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम, ये भी है डियर, टू इंप्रूव द, ये क्या करता है, टू इंप्रूव द डक्टिलिटी, डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम, स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम डियर, ये भी इसको क्या करता है, इंप्रूव करता है डियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा डियर, टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है डियर, टू प्रोवाइड द, टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट, अगेंस्ट शेयर एंड टॉर्जन, शेयर एंड टॉर्जन, ठीक है डियर। तो ये सारे मैंने आपको क्या लिखा है डियर, इसके ये पर्पस लिखा है, ठीक है, या इसके फंक्शंस लिखा है, क्या लिख देता हूं डियर मैं यहां पे, फंक्शंस, तो फंक्शन आ गया आपके पास, फंक्शन लिखो, फंक्शन ऑफ लेटरल टाइज, ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट, ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट, ठीक है डियर। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पे क्वेश्चन आते हैं, यहां से इंटरव्यू में ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे यहां से डियर, क्लियर है, तो ये आ जाएगा। अब डियर जो लेटरल टाइज रहता है डियर, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आ जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा डियर, कि जो डाया ऑफ लेटरल टाइज, तो डाया ऑफ लेटरल टाइज, टी क्या है, पाई क्या है, डाया, टी क्या है, लेटरल टाइज,
डाया ऑफ लेटरल टाइज जो रहेगा डियर आपके पास वो क्या रहेगा डियर आपके पास, वो डियर आपके पास क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम रहेगा डियर, किसका रहेगा मैक्सिमम, वो मैक्सिमम रहेगा डाया ऑफ फोर, ये डाया किसका है डियर, डाया ऑफ मेन बार, डाया ऑफ मेन बार, मेन बार का भी कौन सा डाया आएगा डियर, मैक्सिमम आएगा, ठीक है डियर। और उसके बाद 6 mm जो इससे बड़ा होगा, इन दोनों से बड़ा होगा वो क्या होगा आपका लेटरल टाइज का डाया होगा, लेटरल टाइज का डाया ऑफ बार होगा डियर। यानी ये तो पुराने कोड के मुताबिक था, 13920 के मुताबिक, ये तो पुराने कोड के मुताबिक था, दैट इज IS 456-2000, ठीक है। अगर डियर हम इसको 6 mm की जगह रिप्लेस कर दिए डियर, अब कितना आ गया 8 mm कर दिया, 8 mm किसने किया डियर, IS 13920 ने किया, ठीक है। ये जो नया आपका अमेंडमेंट आया उस अमेंडमेंट के हिसाब से आपका 6 mm की जगह क्या हो गया डियर, 8 mm हो गया डियर, क्लियर है। और डाया ऑफ मेन बार भी क्या आएगा डियर, मैक्सिमम आएगा डियर। अगर उसी तरह से डियर हम पिच की बात करते हैं, अभी लेटरल टाइज की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, पिच की बात करते हूं लेटरल टाइज, इन केस ऑफ लेटरल टाइज पिच की बात कर रहे हैं डियर हम, पिच किस केस में, लेटरल टाइज में डियर, लेटरल टाइज। तो पिच क्या होगा डियर, पिच का हो या मैक्सिमम स्पेसिंग का हो, या मैक्सिमम स्पेसिंग का हो डियर, एक ही बात है, ठीक है। तो ये भी क्या होनी चाहिए डियर आपके पास, ये मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, किस किस की डियर मिनिमम होनी चाहिए आपके पास, ये होनी चाहिए लीस्ट लेटरल डायमेंशन की मिनिमम होनी चाहिए डियर, जो भी आपके पास बी इंटू डी में लीस्ट है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन इंटू 16 pi, पाई क्या है डियर, मेन बार का डाया, पाई इज मेन बार का डाया, पाई क्या है मेन बार, डाया ऑफ मेन बार का कौन सा लेना, मैक्सिमम लेना या स्मॉलर, आपने लेना डियर स्मॉलर यहाँ पे, ठीक है। जब पिच निकालोगे तो डाया लेना आपने स्मॉलर, ठीक है डियर। और मैक्स आएगा डियर आपके पास 300 mm, क्लियर है डियर। तो ये क्राइटेरिया किसके अंदर आ गया डियर आपके पास, मैक्सिमम स्पेसिंग आ गई, कम से कम स्पेसिंग आप इतनी यहाँ पे प्रोवाइड, ज्यादा से ज्यादा स्पेसिंग, इतनी से ज्यादा स्पेसिंग हम प्रोवाइड कर भी नहीं सकते। मिनिमम रहेगा लीस्ट लेटरल डायमेंशन, LLD क्या है डियर आपके पास, लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन डियर, क्लियर है। लीस्ट लेटरल डायमेंशन में जो भी आपका लिस्ट होगा तो बी होगा डियर या फिर डी होगा, वैसे तो बी ही रहेगा डियर आपके पास, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। अब देख लीजिएगा सर ये कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा डियर यहाँ पे आपके पास में एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाता हूँ, ये आपके पास डियर रेक्टेंगुलर सेक्शन है, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको, ऐसा करते हैं डियर दूसरे पेजेस पे आपको इसको करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये है डियर आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन, और रेक्टेंगुलर सेक्शन में डियर आपने यहाँ पे क्या डाल दी है, नंबर ऑफ बार्स, और नंबर ऑफ बार्स कितनी रहेगी डियर यहाँ पे, 4 रहेगी। तो एक डियर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, थोड़ा सा एक डियर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी कॉर्नर में, और एक डियर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, ठीक है डियर, और एक मैंने डियर यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, और एक डियर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, ठीक है डियर। अब बड़े ध्यान से देखने वाली बात है, मान लेते हैं डियर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है इसका डियर, मान लेते हैं इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस है हम 400 ले लेते हैं, 400 mm ले लेते हैं, सॉरी 500 ले लेते हैं, यहां पे कितना ले लेते हैं डियर, 500 ले लेते हैं, ठीक है डियर। 500 ले लो या 600 ले लो आप पे डिपेंड है डियर, ठीक है। 500 ले लिया, 500 से थोड़ा ज्यादा ले लेता हूं, ठीक है, मैं 550 ले लेता हूं और इसको कितना ले लेता हूं डियर, इसको मैं 500 ले लेता हूं, देखते जाओ क्या बनता है। अब डियर आप सभी को पता है, आप सभी को पता है डियर कि यहां पे भी कुछ होगा आपका, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, तो डियर यहां पे आपका 50-50 तो क्या होगा, 50-50 तो आपका ये नॉमिनल कवर होगा, 50 यहां पे भी डियर 50 होगा, तो यहां पे कितना बच जाएगा आपके पास, तो यहां पे रह जाएगा डियर ये आपका, दैट इज 450, कितना रह जाएगा 450 mm रह जाएगा डियर। और यहां पे भी डियर कितना रह जाएगा, 500 यहां से गया, 50 यहां से गया, 50 यहां से गया, 100, 550 में से तो यहां पे कितना बचा ये डियर, 450 बच गया, 450 mm रह गया डियर। तो आपने क्या बोला है कि सर स्पेसिंग हमारे पास क्या नहीं होनी चाहिए, स्पेसिंग सर हमारे पास 300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए,
तो सर यहाँ पे तो 450 स्पेसिंग आ रही है, यहाँ पे भी 450 स्पेसिंग आ रही, ठीक है, यहाँ तो सर 450 की स्पेसिंग आ रही है। तो अब हम क्या करें, देखो ना 550 में से 50 यहाँ गया तो 500 बचा, 50 यहाँ गया तो 450 बचा, 50 ऊपर गया 450, 400 ऊपर बची, यहाँ पे कितनी बची 400, यहाँ पे रही आपके पास 400 mm की स्पेसिंग, क्योंकि 50-50 आपका नॉमिनल कवर में भी चला गया। तो डियर आपने क्या करना, ये तो भाई हमारा क्राइटेरिया नहीं हो रहा कि 300 mm से ज्यादा तो स्पेसिंग किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या कर दो डियर, यहाँ पे डियर एक इंट्रोड्यूस बार और ऐड कर दो, एक और नॉमिनल बार यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, ठीक है डियर। तो इसके दोनों सेक्शन पे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मिनिमम बार प्रोवाइड कर दी, एक और एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे भी सर प्रोवाइड कर दो, तो सर यहाँ पे भी कर दी, यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दी, तो यहाँ से भी प्रोवाइड कर दी, तो मैंने क्या कर दी एडिशनली रेनफोर्समेंट बार यहाँ पे रियर प्रोवाइडेड कर दी, ठीक है सर आपने एडिशनल प्रोवाइड कर दी। अभी आपके पास मेन बार थी यानी कि लॉन्गिट्यूडनल बार थी, सपोज करो डियर इसका डाया जो था, इसका डाया आपके पास 20 mm है, और ये जो आपने दूसरी बार प्रोवाइड किया हो सकता है डियर उसका डाया आपके पास 16 mm हो, जो आपने डियर एडिशनल बार प्रोवाइड किया हो सकता है उसका डाया आपके पास 16 mm हो। तो डियर जो आपका 20 mm है ये क्या है, लार्जर डाया है, लार्जर डाया है, ये दोनों सेम डाया के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरा ये 16 mm ये क्या हो गया डियर आपके पास, स्मॉलर डाया हो गया डियर, स्मॉलर डाया हो गया, ठीक है डियर, तो इससे स्पेसिंग कमी हो जाएगी आपकी। तो डियर यहां पे आपने देखो मैंने बताया क्वेश्चंस पे कि लीस लेटरल डायमेंशन होगा 16:2 मेन बार, जब भी आप पिच की बात करेंगे, पिच की बात करेंगे तो डियर आप स्मॉलर डाया पे जाएंगे, तो डियर जो आपने यहां पे देखा स्मॉलर पे जाएंगे तो आप 16 mm की बात करेंगे। बट अगर डियर हम किस पे जाएंगे, अगर हम दोबारा डियर अगर लेटरल टाइज के डाया पे जाएंगे, अगर डियर हम लेटरल टाइज के डाया पे जाएंगे तो यहाँ पे टाइज ये यहाँ पे पाइप की जगह हम क्या रखेंगे मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना प्रोवाइड किया 20, तो हम यहाँ पे 20 रखेंगे, यानी कि जब लेटरल टाइज का डाया कैलकुलेट करेंगे तो आप जो मेन बार का बार होगा जो मैक्सिमम आपने यूज किया होगा उसको करेंगे, और जब पिच कैलकुलेट करेंगे तो जो आपने डियर वहां पे मिनिमम डाला होगा उसको आप डियर मेन बार का डाया पुट करेंगे डियर। तो इस तरह से डियर यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो ठीक है डियर इसको मैं पीछे लिख देता हूँ आपके लिए, स्पेसिंग लिख देता हूँ तो ज्यादा बेटर ही होता है, ठीक है, दैट इज मैं पीछे लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ, तो दैट इज पिच डियर, क्लियर है। तो यहाँ पे पिच होगा मिनिमम ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16, मेन बार का स्मॉलर एंड 300 mm डियर, क्लियर है। और उस तरह से डियर मैंने आपको यहाँ पे ये डायग्राम से डायग्रामेटिकली समझा दिया है ये कि कम से कम आपको कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे करना है। तो डियर नेक्स्ट जो रहेगा हमारे पास, ये तो लेटरल टाइज के बारे में आपने जाना, जो लेटरल टाइज होती है उसका यूज या तो हम स्क्वायर कॉलम में करते हैं या फिर हम रेक्टेंगुलर कॉलम में करते हैं, क्यों करते हैं, टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, कि आपका जो मेन रेनफोर्समेंट है उसमें डियर बकल ना कर पाए, और इससे होता क्या है आपकी कॉलम की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाती है और डक्टिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है, और ये डियर बियर कर पाता है डियर आपके कॉलम में शियर स्ट्रेसेस को डियर, क्लियर है। तो ओके डियर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।